नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर देहात से आ रही इस खबर के साथ, जहां जिले के नए एसपी 2011 बैच के आईपीएस स्वप्निल ममगाई जी ने आज बतौर एसपी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बतौर एसपी तैनाती ये उनका 7वां जिला है। लखनऊ कमिश्नरेट में भी वह डीसीपी हेडक्वार्टर के पद पर तैनात रह चुके हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में आचार संहिता के दौरान आयोग ने उनकी तैनाती जालौन में की थी। मीडिया से आज बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों को थाने स्तर पर ही न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं करीब 15 माह का कार्यकाल पूरा करने वाले एसपी केशव कुमार चौधरी का तबादला बहराइच कर दिया गया है। अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे शासन ने इस कानपुर देहात जैसे जनपद की जिम्मेदारी दी गई, और स्वाभाविक सी बात है कि अभी भविष्य में बहुत जल्दी ही चुनाव का संपादन कराने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में व अन्य प्रदेशों में चल रही है, तो एज अ प्रायोरिटी वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना महामारी जो तीसरे फेज के रूप में देश के सामने समस्या के तौर पर उभर रही है, को नियंत्रित करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके अलावा पुलिस के जो और काम हैं, जैसे अपराध नियंत्रण, अपराध का खुलासा, मेरिट बेस्ड खुलासा, एविडेंस बेस्ड खुलासा, कानून व्यवस्था जो बनाए रखना, ट्रैफिक का संचालन और अन्य आपदा जो है उनको दुरुस्त उनको वो ना हो उसके लिए प्रयास करना, ये हमारी प्राथमिकता। कोई ऐसे जनपद के लिए जो देखिए जनपद के लिए तो मैं अभी क्योंकि जो मैंने आज ज्वाइन ही किया है कुछ घंटे पूर्व, तो मैं देख रहा था जनपद की आबादी लगभग 23 लाख आबादी है अगर मेरा अनुमान ठीक है तो वर्तमान में, हालांकि सेंसस 2011 में हुआ है। तो कानपुर देहात की जनता को मैं ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी पुलिस अधीक्षक की वरिष्ठता जो मुझे अनुभव हुए उसके आधार पर, जो पूर्व की गलतियां हुई उससे सीखते हुए और नए विचारों को अंगीकृत करते हुए हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ पे हैं और सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमेशा चाहे मेरा फ़ोन नंबर हो या अन्य साधन हो, मेल हो या ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया के साधन हो, मैं पूरी तरीके से जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ और किसी को भी भय में जीने की या मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, हालांकि मेरा आज पहला दिन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा पूरा जोर रहेगा एक भयमुक्त समाज, सरकार का जो नारा है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, उसके प्रति हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे और अपने फोर्स को भी मनोबल हम लोग बढ़ाएंगे कि वो भी प्रतिबद्ध हों। अगली खबर आगरा से है, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज प्रबुद्ध सम्मेलन में खैरागढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ 4 जिलों को बिजली मिलती थी, गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1912 पर कॉल करने पर विद्युत समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो आगरा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 4 जिलों को बिजली मिला करती थी, लेकिन बीजेपी शासन में अब 18-18 घंटे बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ पुरुषों के सम्मेलन चल रहे हैं, उसी क्रम में पुरुष सम्मेलन था और 2014 के बाद देश में बड़े बदलाव हुए, देश की सुरक्षा को लेकर, देश की सीमाओं को लेकर पूरे विश्व के अंदर माँ भारती का परचम आज लहरा रहा है। जिस कश्मीर में हमको तिरंगा लहराने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का सहारा लेना पड़ता था लाल चौक पे, आज वहाँ तिरंगा भी फहराया जा रहा है और कश्मीर के जो 20,000 स्कूल हैं उनमें भी 15 अगस्त पर तिरंगा भी फहराया जाता है और जनगणमन भी होता है। ये बड़ा बदलाव 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। गरीब कल्याण की योजना है, पहले कागजों में होती थी लेकिन हमारी सरकार ने उसको जमीन पर चरितार्थ किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया है, वहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार से नाराज होकर आज बीजेपी मंडल अध्यक्ष व उनके सहयोगियों ने पंजाब सीएम का पुतला दहन किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब में अप्रिय घटना घटित हुई है, इसका पूरा देश इसकी घोर निंदा करता है। निश्चित रूप से आज जनपद वासियों ने पंजाब के सीएम का पुतला फूंका है। देश के पीएम के साथ हुई घटना को लेकर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ अछलदा नहर बाजार में पंजाब सीएम का पुतला दहन किया है, जिसकी आप तस्वीरें अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब में अप्रिय घटना घटित हुई है, इसकी पूरा देश घोर निंदा करता है। निश्चित रूप से आज नहर बाजार वासियों ने पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी का पुतला फूंका। वास्तव में आम जनमानस बहुत ही आक्रोशित है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन और सपा नेता फिरोज अहमद पप्पू की निर्मम हत्या की जांच की मांग को लेकर तुलसीपुर पहुंचा। पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में सपा प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और पूरी जानकारी ली। प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। ये हम मांग करते हैं पुलिस कप्तान साहब से कि जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, हत्यारों को पकड़ के सजा मिलनी चाहिए, और वरना जनमानस में बहुत आक्रोश है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है, इसलिए इसको देखते हुए जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। और जो प्रदेश में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी बड़पोलापन से हो रहा है, क्योंकि जब आप जात और धर्म देखकर अपराधियों की जो है वो चिन्हित करेंगे तो ये घटनाएं होंगी। जैसे अभी हमने देखा एक वीडियो, उसमें सोशल मीडिया में कि धनंजय सिंह जो जिनके ऊपर पता नहीं हजारों रुपये जो है इनाम है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चुलबुल सिंह वगैरह टहल रहे हैं। तो इस तरीके से जब प्रशासन और शासन जब भेदभाव करेगा और अपराधियों को जात और धर्म के आधार पर चिन्हित करेगा तो होगा है। और उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज है। हमारे पार्टी के एक तरह से तुलसीपुर के अब नेता हो गए और इनकी हत्या बड़ी निर्ममता से की गई। ये इनकी जिस ढंग से हत्या की गई और घर से 50 मीटर की दूरी पर, ये प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल है। जबकि रोजाना कहा जाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ठीक है और तुलसीपुर यही उनका मठ भी है मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद जिस तरह से हत्या की गई इसकी निंदा की जानी चाहिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष फिरोज पप्पू के आवास पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर दुख जताया है, साथ ही स्वर्गीय फिरोज पप्पू के बेटे अदनान को गले लगाकर सांत्वना दी। राज्य मंत्री पलटू राम ने भी सदमे से आहत परिवार को ढांढस बंधाया है। बरेली से अगली खबर है, जहां हरिद्वार में हुई धर्म संसद के विरोध में आईएमसी प्रमुख मौलाना ने शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुसलमानों को इकट्ठा कर धर्म संसद को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई है। साथ ही कहा कि आज हमारी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमने बर्दाश्त किया।
कुरान को लेकर खून के आंसू रोए, हमने बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने इस दौरान कहा कि 20,000 लोग आए हैं सर पर कफन बांधकर, इन्हें थोड़े हथियार दे दो, चीन के कब्जे से कैलाश मानसरोवर ले लेंगे, हमारे ये 20,000 पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल कर लेंगे, इन्हें ट्रेनिंग दो और हथियार दो। आज हमारा ये जो डेमोंस्ट्रेशन था, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा पीछे हो यार। जी जी, अधर्म संसद वालों ने ऐलान किया था कि 20,00,000 मुसलमानों का कत्ल करेंगे। हमने कहा कि तुम्हें मुसलमानों को ढूंढने नहीं जाना है, हम एक मैदान में जमा कर देते हैं, या आके हमारे भाइयों को कत्ल कर लो। तो 20,000 मैंने आज दिए हैं, लेकिन कोई न पुलिस से मरवाया गया, न उन गुंडों से मरवाया गया। अगर हमारी मांग सही है और दुरुस्त है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अधर्म फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने इतनी खराब भाषा बोली, देश की एकता को बर्बाद करने का काम किया है, उन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए। और मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूं कि किसी भी के मजहब पर टिप्पणी करने वाले, मजहब को बुरा कहने वाले, मजहब पर उंगली उठाने वाले, रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, एक भी मुसलमान मुझे बताओ जो राम की शान में गुस्ताखी करता हो। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते मानते हैं। वहीं चंदौली जिले में सैयद रजा विधायक सुशील सिंह द्वारा सैयद रजा चौराहे पर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने तथा उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक पंजाब सरकार की साजिश है, यह पूरी तरह से देश में आतंकवाद और दंगा कराने की पूर्व प्लानिंग थी। भाजपा नेताओं और पूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने केंद्र के गृह मंत्री से पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर उबाल है। तो पता है कि अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब रह रहे थे, तो मौसम खराब हो गया जिसकी वजह से वो बाई रोड जा रहे थे, जबकि हम समझते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा लंबा रास्ता तय कर रहा है। सरकार जो कोई भी जो प्रदेश की सरकार होती है उसकी व्यवस्था होती है कि सुरक्षा व्यवस्था करे, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता, देश का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति के बाद सबसे सर्वोच्च पद पे होता है, पार्टी कोई भी हो सर्वोपरि होते हैं। वहीं गोंडा जिले में आज खराब मौसम के चलते अखिलेश यादव सड़क मार्ग के रास्ते गोंडा पहुंचे। गोंडा में उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। अखिलेश यादव ने मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का विमोचन भी किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से रूबरू हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों की उपेक्षा की जा रही है, ये सरकार जाने वाली सरकार है जो घबरा कर बिजली की दरें कम कर रही है। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, उनके लोग भी झूठे हैं, साक्षी महाराज भाजपा के हैं, वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। पंजाब में पीएम मोदी को जाने देना चाहिए था, उनको वहां खाली कुर्सियां मिलती तो भ्रम टूट जाता। उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इनका हर वादा झुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है, और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। तो कोविड के समय जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। एक साल पे कि गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है, किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया, समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा बिजली का सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है।
मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। झांसी रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब चिरगांव रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। इसकी जानकारी झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने मीडिया को दी है। सांसद ने बताया कि लोगों को काफी समय से उनकी मांग चल रही थी कि इंटरसिटी एक्सप्रेस को चिरगांव स्टेशन पर रोका जाए, जिससे कि यात्रियों को आने जाने से परेशानी ना हो। अनुराग शर्मा ने बताया कि जैसे चिरगांव के आसपास के गांव के लोग आते हैं तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जब उनको लखनऊ जाना होगा या कानपुर चिरगांव स्टेशन से बैठकर अब वो निकल जाएंगे, और इससे लोगों के अलावा व्यापारियों को भी काफी राहत मिलेगी। देखिए, वहां के क्षेत्रीय लोगों को तो बहुत लाभ होगा। चिरगांव से उनको पहले झांसी आना पड़ता था, फिर झांसी से पकड़ के लखनऊ वापस जाना पड़ता था। तो मेरे ख्याल से तो जो गांव भी है मान लो तो 1 किलोमीटर का ऊपर नीचे पड़ जाता था ना, तो अब वो समय बचेगा उनका, उनका भाड़ा बचेगा झांसी तक आने का, और चिरगांव से ही लखनऊ चले जाएंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए। और ये डिमांड बहुत दिनों से थी क्षेत्र की व्यापारियों को, क्योंकि अक्सर काफ़ी सारे व्यापारी अपने वो MST कार्ड बनाते हैं, अपने सीजनल टिकट्स निकाल लेते हैं, और जो लखनऊ जाके व्यापार करते हैं उनके लिए तो भाई अपने टाइम से पहुँचेंगे, टाइम से वापस आएंगे। विशेष रूप से इतनी सर्दी पड़ रही है तो इतने में दिक्कत खड़ी हो जाती है विचारों को जाने जाने में, तो मेरे व्यापारी भाइयों को काफी फायदा होना चाहिए। जनपद ललितपुर के कस्बा बार के मजरा मोतीहेरा में नहर फट जाने के कारण कई किसानों की फसल डूब गई, जिससे उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी खेतों से निकली नहर की सालों से सफाई नहीं हुई है, अचानक बारिश आ जाने से नहर फट गई, जिससे उनकी फसल जिसमें चना मटर गेहूं सहित सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों ने उच्च अधिकारियों से जांच कराकर बर्बाद फसल का उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। खबर लखनऊ से है, जहां फूलबेहड़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां फूलबेहड़ थाना पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्तों को भीरा रोड के अपना ढाबा के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 5 अभियुक्त शातिर लुटेरों ने जिले में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार हुए अभियुक्त शातिर लुटेरों में अजय कुमार सक्सेना, दिलीप शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, कुलदीप शुक्ला, राहुल शुक्ला गिरफ्तार किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।